आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। हंडिया क्षेत्र के अंतर्गत बीरापुर धोबहा गांव में दबंगों ने जमकर की मारपीट। ब्रिजलाल पुत्र रामनाथ बीरापुर धोबहा के रहने वाले हैं। वे मजदूरी करके अपने परिवार की देखरेख करते हैं। उन्हें के परिवार के विकास कुमार वर्मा ने बताया कि हमारे पड़ोसी राम प्रताप यादव पुत्र महादेव ने हमारे परिवार के सदस्यों को जमकर मारा पीटा। विकास ने बताया कि बिजली का तार खंभे से बार बार निकाल कर मेरे परिवार को प्रतिदिन परेशान करते रहते हैं। तब मैंने एक दूसरे खंभे से अपनी बिजली जोड़ी, तब ये लोगों ने आज सुबह मेरे परिवार को जमकर पीटा और कहा तुम सबको इस गांव में रहने नहीं देंगे, तुम सब छोटी जात के लोग हो, तुम लोगों को यहाँ रहने नहीं देंगे। जब मैंने इसका विरोध किया तब मुझे भी हॉकी और डंडों से मारा। तब मैंने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन में लग गई है। इस घटना से सुनीता देवी व सुमरी देवी को गंभीर रूप से चोट आई है, जो कि खुद से चल तक नहीं पा रहे हैं। रिपोर्ट प्रदीप विश्वकर्मा, इंडिया पोस्ट न्यूज। आप बताइए क्या मामला है? सर हमारी प्रॉब्लम थी, तो हम लोग किए थे, तो उन लोग बार बार गाड़ी में देते हुए थे। उसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर अलग करवा दिए, उसके उपलब्ध में उन लोग का क्या जलस हुआ कि ये लोग अलग करवा लिए। इसके लिए हम लोग को एक में पिछले डेढ़ महीने से कंटिन्यू डेली प्रतिदिन गाड़ी रात में आते, गाली गलोज मार मार सब गाली देता था मैम। हम लोग घर रहते नहीं थे, गार्जियन को हमारे घर पर डेली गाली देता था। तो हम कल भी रात में मेरे घर पर आया, कल भी गाली दे रहा था रात में, घर पर खाना रात में गया था। सुबह आया गाड़ी करके लौटा था तो उसको गाली दे रहे रास्ते में, गाली देने लगा, हम बोले तो पहचान करने लगे, हमको मारने लगा, उसके बोले मारने लगा तो उसके बारे में माँ को मार दिया, हमारी दादी साथी से उनको भी मार दिया, सब ने उसके लिए मारे। अच्छा आपको परिचय बताइएगा अपना। हमारा नाम विकास कुमार वर्मा है, हमारा नाम बिजलाल वर्मा, राम बीरापुर वर्मा। अरे प्यारा